नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की क्रमाग्रम न्यूज अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। तो उन सभी को मेरी तरफ से और टेक्निक ज्ञान चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है आईबॉल कैमबुक वर्जन 2.0 की तरफ से, जिसे जो आईबॉल ने लॉन्च कर दिया है 21,999 रुपए के अंदर, या फिर मान लीजिए 22,000 रुपए के अंदर। इसके अंदर 4 GB की रैम दी गई है DDR3 वाली और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है बुल्ट इन यहाँ पर बताया गया है, और 128 GB तक आप इसमें जो है कहीं मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और 14 इंचेज की जो है इसकी डिस्प्ले है, फुल HD तो नहीं है, 1366x768 पिक्सल है, मतलब HD से थोड़ी सी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन 21,999 रुपये मुझे इसके थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा ही लग रहे हैं। ना तो 15.6 इंचेज की जो इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है, ना अंदर जो है इसमें 512 GB या फिर 1 TB तक की जो हार्ड डिस्क निकल के आती है वो दी गई है। क्योंकि इतनी प्राइस के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लैपटॉप आपको मिल जाएंगे जो कि लगभग 14-15 या फिर 15.6 इंचेज के मतलब डिस्प्ले यहाँ पर आपको दे देते हैं, 4 GB रैम भी दे देते हैं और लगभग 1 TB या फिर 512 GB तो आपको यहाँ पर मिल ही जाती है। तो ये लैपटॉप जो है यहाँ पर रिलीज हुआ तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस की तरफ से। काफी दिन से हम इनकी रोज रोज यहाँ पर बात करते रहते हैं, आज कुछ निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो है एक ट्वीट निकल के आया जिसके अंदर जो है दिखाया गया है कि ओरिजिनल फोटो जो है इसकी ऐसी होने वाली है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जो है मोबाइल दिखने वाला, मतलब इसकी ओरिजिनल फोटो यही है। तो आज यहाँ पर निकल के आ गई है और सैमसंग ने खुलासा कर दिया इसे जल्दी लॉन्च करने का, काफी दिन से हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S9 या फिर S9 प्लस, कौन सा भी इनमें से एक हो सकता है, लेकिन फोटो हमारे पास एक ही निकल के आई है तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो पिक्चर लीक हुई और हमें मिल गई, हमने आपको यहाँ पर दिखा दी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है गूगल इंडिया को लेकर। गूगल ने जो है एक डिजिटल सिटीजनशिप वाला जो है लेसन स्कूलों में पढ़ाने का कुछ फैसला यहाँ पर कर लिया है। लगभग 1.4 मिलियन जो है स्कूल्स के अंदर ये सिस्टम लगाएगा इंडिया के अंदर, और बच्चों को यहाँ पर जो है सोशल सिटीजन या फिर अच्छा मतलब एक नागरिक बन के कैसे यहाँ पर रहा जाए सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि आज तो बच्चा मतलब सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, व्हाट्सअप फेसबुक या फिर और अदर जो जितने भी सोशल नेटवर्क हैं उनके साथ, तो उनके ऊपर काफ़ी सारी गलत चीज़ें आती हैं, धमकी भरे मतलब लेटर या फिर कुछ बातें होती हैं, उनसे कैसे मतलब निजात पाई जाए, कैसे उनसे पीछा छुड़ाया जाए या फिर उनके ऊपर हावी कैसे हुआ जाए वापस। तो उनसे बचने बचाने के काफ़ी सारे जो है गूगल की सिटीजन जो क्लास हैं 1.4 मिलियन स्कूल्स के अंदर बच्चों को यही सिखाने वाली हैं। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई थी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों, अब अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है इन्फिनिक्स होट S3 मोबाइल को लेकर, और इसके अंदर जो है 20 मेगापिक्सल का एक लो लाइट सेल्फी वाला कैमरा दे दिया है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है और एक बजट जो है इसे स्मार्टफोन बताया गया है। प्राइस वगैरह कुछ ठीक से जो है इंडिया के अंदर मुझे नहीं दिखी, मैं आपको इस वक्त नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दूंगा। बाकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन जो इसकी मैं आपको बता देता हूँ। तो 18:9 वाली जो है एक्सेप्ट रेडियो वाली, मतलब इसमें जो है डिस्प्ले लगा दी गई है 5.65 इंच की जो इसके अंदर डिस्प्ले आपको मिल जाती है, IPS LCD डिस्प्ले, 2.5D कर्व्ड जो है ग्लास इसके ऊपर आपको मिल जाता है, एंड्रॉयड 8.0 ओरियो इसके अंदर UI सिस्टम या फिर यूजर इंटरफेस जो आपको मिल जाता है, 32 और 64 GB जो इंटरनल स्टोरेज मिलती है, वही 3 और 4 GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है। तो ये था इन्फिनिक्स होट S3 मोबाइल जो कि एक बजट है और लो लाइट सेल्फी लेने में भी मतलब ये कामयाब रह जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल आ रही है वीवो की तरफ से। काफ़ी दिन से वीवो ओप्पो चल रहे हैं, वीवो की तरफ से यहाँ पर 100% स्क्रीन टू बॉडी रेटियो वाला या मतलब फोटोज निकल के आई हैं कुछ कि वीवो के मोबाइल के अंदर इस प्रकार से कुछ यहाँ पर होने वाला है। थोड़ी सी हंसने वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि फ्रंट कैमरा जो है वैसे ही वीवो जो है मतलब कैमरा और म्यूजिक फोन है, अब कैमरा जो है यहाँ पर कहाँ लगाएगा, ऊपर से नीचे तक कोई बेजल तो है नहीं इस मोबाइल के अंदर। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इन फोटोज में देख पा रहे हैं आप, पिछला कैमरा जो है इसका फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग टाइप यहाँ पर होने वाला है, पीछे की तरफ आप नीचे की तरफ करेंगे तो वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा और उसे निकाल लेंगे तब वो ऊपर की तरफ घूम कर यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से बन गया सेल्फी या फिर रियर कैमरा, दोनों एक ही कैमरा में यहाँ पर दे दिया गया। 20 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पर बता रहा है
तो मतलब है कि क्या बना दिया है ये कैमरा तो कभी भी टूट भी सकता है, अगर गलती से इधर उधर हाथ लग जाए तो कैमरा टूट जाएगा, इतना सा ही मतलब इसमें कोई दम ज़्यादा तो होता नहीं है, पतली सी चीज़ होती है तो टूट भी सकता है, और हार्ड मेटल या फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर बनाया जाए तो शायद कुछ दिन ये चल जाए। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले को लेकर। अब एक कंपनी यहाँ पर मतलब बना रही है डायमंड्स को लेकर, मतलब हीरे से बनने वाली एक डिस्प्ले आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, कुछ इस प्रकार का जो इसका ढांचा यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो ये डिस्प्ले जो है पूरी की पूरी डायमंड की बनने वाली है और लगभग 2019 में आने वाले स्मार्टफोन्स या फिर मोबाइल फोन्स के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो एक कंपनी है अखन सेमीकंडक्टर जो कि बना रही है डिस्प्ले, और बताया इन्होंने जो कॉर्निंग रिनर्ड जो ग्लास है उसके साथ ये मिलाकर जो है कुछ परीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये डिस्प्ले काम आएगी जो फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल जो मोबाइल हैं जिनकी डिस्प्ले घुमाने के लिए इधर उधर, उसके अंदर भी ये काम आ जाएगी। तो इसका जो धातु है या फिर जो शीशा इसमें यूज लिया जा रहा है डायमंड वाला, वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा कभी भी जो डिस्प्ले टूटने वाली नहीं है, क्योंकि जो डायमंड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, स्टील से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसके चलते ये टूटने वाला तो है नहीं। तो फ्यूचर में इसी प्रकार की कुछ डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाली है। जो कंपनी है कन सेमीकंडक्टर ये बना रही है इसको, नेक्स्ट अपडेट में और ज़्यादा इसकी बात करेंगे अगर कुछ और न्यूज़ अपडेट यहाँ निकल के आती है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है इंटेल की तरफ से। इंटेल ने जो है कि स्मार्ट ग्लासेस बना लिए हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल स्मार्ट हैं लेकिन दिखते हैं नॉर्मल स्मार्ट एनक चश्मा, जो भी आप समझिए, जो कि आप या फिर आपके दादाजी लगाते होंगे, इस प्रकार का कुछ चश्मा दिखने वाला, बिल्कुल सामान्य सा, देखने में बिल्कुल सामान्य सा मतलब ये लगता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा स्मार्ट ग्लास है, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो इसे आप जो है iOS और एंड्रॉयड डिवाइस के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ये फंक्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं, और इसका जो बिहेवियर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर सपोर्ट करता है, मतलब काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देता है, डायरेक्ट मोबाइल की डिस्प्ले के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, और इसकी जो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी, अगर आप ये लेते हैं तो आपको एक बार कोड दे दिया जाएगा, उसे स्कैन करते ही इसकी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर के द्वारा या फिर iOS ऐप के अंदर आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंटेल ने जो है यहाँ पर कमाल कर दिया है, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटेल को, पहली बार जो है इस प्रकार का कुछ ग्लास यहाँ पर निकाला है। बाकी जितने भी हमने ग्लासेस देखे हैं काफ़ी कुछ इधर लगा हुआ है, किसी में कुछ इधर लगा हुआ है, मतलब काफ़ी भारी भरकम होते हैं, और दूसरा देखता है समझ जाता है कुछ अलग है इसके अंदर। दोस्तों अब अगली अपडेट निकल के आ रही है Xiaomi Mi7 की तरफ से। काफ़ी दिन बाद जो है Xiaomi Mi7 की कुछ अपडेट मुझे यहाँ पर मिली है, तो इसकी प्राइस लीक हुई है, 31,800 रुपये यहाँ पर इसकी जो है प्राइस बताई जा रही है, या फिर 32,000 रुपये मान लीजिए अगर ये लॉन्च होता है तो कुछ डॉलर वगैरह को कन्वर्ट करने के बाद इतनी प्राइस यहाँ पर निकल के आई है। इसको मतलब 2018 लास्ट या फिर जनवरी 2019 में लॉन्च होने की बात हो रही है, इससे पहले जो है नोट 5 प्राइम जो है लॉन्च होंगे, और भी काफ़ी सारे कुछ मोबाइल हैं, या फिर मिक्स थ्री के कुछ अलग अलग वर्जन, जो कि 2S है कि Xiaomi का Mi 2S, वो निकल के आएगा, और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ और मोबाइल जो है निकल के आने वाले हैं। अभी जो है यही लीक मुझे मिली थी, काफ़ी सारे मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं कमेंट बॉक्स में पूछते हैं Mi 7 जो है कब लॉन्च होगा, तो ये तो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसी प्राइस पता नहीं क्यों यहाँ पर निकल के आई है, और कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया है, लॉन्च डेट फिक्स यहाँ पर बताई नहीं गई है, Q3 Q4 इसका है, मतलब कुछ बताया गया है, या फिर जनवरी के अंदर जो 2019 में MWC इवेंट वगैरह होंगे उनके अंदर ये लॉन्च किया जाएगा, कुछ धमाल जो है Xiaomi यहाँ पर करने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यहाँ निकल के आ रही है Pixel 2 की तरफ से। Pixel 2 के अंदर एक हिडन फीचर था विजुअल कोर चिप वाला है, उसके अंदर जो है विजुअल कोर चिप लगी हुई थी, आज जो है एक नई अपडेट के साथ ये काम करेगी। अगर आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या व्हाट्सएप, काफ़ी बार आप WhatsApp के ऊपर फोटोज़ निकालते हैं डायरेक्ट WhatsApp से ही, तो आपका कैमरा और WhatsApp का जो कैमरा है काफ़ी फ़र्क कर देता है फोटो निकालने में, लेकिन ये चिप जो है यही काम करने वाली है, जैसा कि आपका कैमरा फोटो निकालता है उसी प्रकार से काफ़ी एडवांस लेवल में फ़ोटो निकालने में आपकी काफ़ी मदद करेगी, तो एक अच्छी जो है फ़ोटो आप कैप्चर कर पाएंगे इसके साथ, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जिसके पास ये मतलब मोबाइल है Pixel 2 काफ़ी दिन से वो सोच ही रहा होगा कि कुछ नया क्यों नहीं आया, तो ये आपको आज नया यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको अपडेट मिल गई आप में से किसी के पास है मोबाइल तो आप एक बार चेक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे जरूर बताएं इसमें और कैमरा की एप्लीकेशन जो है ओरिजिनल उसके अंदर क्या फर्क मिला आपको फोटो निकालने में। आशा करता हूं दोस्तों काफी कुछ जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी, अपडेट हो गए होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। ऐसे वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।